वो तो नीति के हाथ में है सर, लेकिन गुरुदेव की जो कृपा रही, जो आशीर्वाद रहा, तो जिस समता और साथ मतलब शांत भाव से वो गई है, मैं समझता हूँ कि वो गुरुदेव की कृपा का ही परिणाम है। तो डॉक्टर आश्चर्य करते थे कि इतना गंभीर स्थिति होने के बावजूद कभी मुंह से कभी रोज आते पूछते कैसे हैं, बोलते ठीक। ये गुरुदेव की आशीर्वाद में बेटा बेटी दोनों संकेत बहुत सागर है, आप समाज के लोग संकेत साथ छोटी हो गए, सही तो अमेरिका पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, तो बराबर 4 महीना सागर बेटी 1 महीने पहले आ गई। तो 1 महीने पहले अब पहुंचे नाड़ी, एयरपोर्ट से रवाना हो गया, हॉस्पिटल पहुंचे नाड़ी, फिर 1 घंटा पहले वह एक्सरेश मतलब डॉक्टर कहो के 72 घंटा में देखेंगे कोई संभावना अगर नहीं रही है। और वही टाइम गुरुदेव आपको लगभग रोज मैंने मंगलवार मिलता हूँ, मैं समझू कि बात तकलीफ मन में बन लेगी, क्योंकि बाद में उन्हें बता दी वापस ठीक होने के बाद कि मेरे मन में एक ही साक्षी शिविर लोग होने के वो जो 1 महीना को जो मिले हो गुरुदेव के प्रताप सिंह डॉक्टर कहो के इस स्थिति से निकलना तो मैंने लाख ही बदले संभव है, और 5 दिन 4 दिन या 5 दिन के अंदर वो वेंटिलेटर से हट गए और नॉर्मल बीमार है। तो आश्चर्य कर रहे उन्हें बताया वो डॉक्टर ने कि हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिलता है, तो एकदम वो कहो के बस उसी का परिणाम आना लेकिन मैं तो दक्षिण में यात्रा पर संकेत हो तो एक बार दिखा लो, कभी दिखा देना बस, कोई दवाई दे दवाई की कोई फर्क नहीं पड़ो, एक उल्टी आ गई तो वापस जाके एक दो टेस्ट कराया, दो तीन टेस्ट होता होता ठा पड़े हो गया तो बीमारी खत्म हो गई। आज श्री मोहनलाल जी जैन का परिवार पूज्य चरणों में उपस्थित है, और मैं ये कहूँ कि ये परिवार परम पूज्य आचार्यों का कृपा पात्र परिवार रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का जैसे मैंने पढ़ा और सुना है, इनके परिवार पर बहुत कृपा रही है। आज परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी का तो मेरे देखने का भी काम पड़ा, उनकी भी बहुत कृपा मोहनलाल जी पर और उनके परिवार पर रही। और परम पूज्य आचार्य श्री की निवेदन करूँ तो इतनी कृपा है जिसको शब्दों में व्यक्त करना ही मुश्किल हो। मोहनलाल जी जैन का जिस समय ग्रंथ का लोकार्पण का अवसर था और परम पूज्य गुरुदेव ने एक संकेत किया और थोड़ी देर में घोषणा हो गई कि इनको समाज भूषण के अलंकरण से अलंकृत किया जाएगा, जो 53 धर्म संघ का एक सर्वोच्च सम्मान है वो मोहनलाल जी जैन को परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ। और इन दिनों में तो पिछले कई दिनों से मैं देख रहा था परम पूज्य गुरुदेव सवेरे अचानक से मुख्यमंत्री को संकेत करते और मुख्यमंत्री सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते और गुरुदेव मंगल पाठ करवाते, तो
तो यह कृपा अयाचित कृपा जिसने कभी किसी ने मांगी नहीं, कभी किसी ने निवेदन नहीं किया, पर परम पूज्य गुरुदेव रोज कृपा करवाते थे और उसका परिणाम भी सुनने को मिलता था कि उनके कुछ ठीक लग रहा है, उनको अनुभूति में कम से कम उनको अच्छा लगता था। तो यह परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है। और गुरुदेव अभी इन दिनों में जब पिछले दिनों में जब ये सूचना मिली थी तो गुरुदेव के पास जाने का काम पड़ा, तो गुरुदेव ने यही फरमाया था संचय अच्छा व्यक्ति। तो गुरुदेव के मुखारविंद से यह शब्द अगर किसी के लिए निकलता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरुदेव ऐसे तारीफ बहुत कम करवाते हैं, पर ऐसे प्रसंगों में अगर गुरुदेव के मुखारविंद से यह निकलता है तो सचमुच इनका जीवन भी वैसा हो सकता है और गुरुदेव की कृपा भी इस परिवार पर वैसी है। जैसा मैंने गुरुदेव से निवेदन किया था कि संचय जी का जीवन एक अनुव्रत, मतलब अनुव्रत से प्रभावित है या अनुव्रतमय, तो वो जीवन मैंने देखा भी है कई बातों में। इनका जीवन में मैंने देखा कि पूरा जीवन अनुव्रतमय है और ये रात दिन अनुव्रत के बारे में ही सोचते हैं। खुद के जीवन में अनुव्रत है वो भी है, और अनुव्रत का कैसे प्रचार हो, कैसे और ज़्यादा अनुव्रत लोगों में फैले, इसके बारे में ये चिंतन करते रहते हैं। तो आज यही मंगल कामना करता हूँ कि ये पूरा परिवार धर्म संघ और अनुव्रत की ऐसी सेवा करता रहे और इनके परिवार में अनुव्रत और धर्म संघ का प्रभाव बना रहे। आज संचय जी और इनका पूरा परिवार गुरुदेव के दर्शनार्थ संबल प्राप्त के लिए उपस्थित हुआ है। बीते कुछ दिनों से संचय जी के परिवार में कहीं कुछ स्थितियां बनती रही, पर इनका मनोबल धृति बल बहुत सुंदर रहा और वैसे परिस्थितियों में भी संस्था के कार्य तो करते ही थे, साथ में अपनी पत्नी को धार्मिक स्वाध्याय करवाना, लोगस करवाना, शरण सूत्र सुनाना, तो उनके प्रति बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि के साथ में उनको आगे बढ़ाया। और पूज्य प्रबल की कृपा जैसे मुनिश्री ने बताया ही है कि इतनी असीम कृपा रही कि प्रतिरोज आचार्य प्रबल का प्राय प्राय मंगल पाठ सुनाना, इनको याद करना और इनकी आध्यात्मिकता को और कुछ करता था। अभी इनसे जब बात हो रही थी तो ये बता रहे थे तो इतनी भयंकर वेदना थी उनके, तो वेदना होने के बावजूद भी वो एकदम आत्मस्थ थे। तो ये बता रहे थे आचार्य महाप्रज्ञा जी कहते थे मोहन भाई जी के लिए कि वह आत्मस्थ व्यक्ति है, किंतु मैं उनको जब देखता तो मैं उनको कहता, उनके लिए वो फरमाते थे और मैं जब तुमको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वास्तव में तुम भी बहुत आत्मस्थ हो। तो उनकी क्षमता भाव और इनका भी निरंतर पुरुषार्थ उसमें बना रहा और इनका जीवन अनुव्रत के लिए समर्पित है ही और इनके परिवार के भी लगभग सभी सदस्य अनुव्रति हैं और सभी अच्छा जीवन जीते हैं। तो पूज्य प्रबल की प्रेरणा मंगल आशीर्वाद इन्हें मिले, इससे इनका जीवन और आध्यात्मिक अनुव्रत और शासन के लिए हो। संजय जी बता रहे थे कि टाइम में भी संजय जी कंटिन्यू संपर्क में है, अनुव्रत को क्या काम, अनुविभाग को क्या काम आगे बढ़ रहा है। रोज लगभग 405 मीटिंग करता है, रोज 405 मीटिंग करता है। पिताजी का ये जो परिवार है, हम लोग सभी भाई बहन सभी को बहुत अच्छा लगता है कि हम धर्म संघ की और अनुव्रत के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। और संचय हमेशा पिताजी के साथ रहा, हम लोग तो दूर चले गए थे लेकिन संचय हमेशा पिताजी के साथ रहा बचपन से, और आज तक संचय की वाइफ से पिताजी ने केवल एक प्रश्न पूछा था जब शादी का चल रहा था कि तुम्हें खासियत क्या है, कोई एक बात बताओ उनकी क्या खासियत है। तो उन्होंने कहा कि मैं सब परिवार को जोड़ के रखने की भय मैं सबको खुश रख सकती हूँ, और आज तक उनका परिवार में किसी से कोई वो नहीं था, सबसे अच्छे संबंध थे। उसने उस
बात को निभाया और पिताजी ने केवल एक ही बात पूछी थी, बोले आपका कुछ नहीं पूछना। तो इस अभी तक पूरा परिवार था लेकिन एक कमी अब हो गई है। मुंबई में मेरा भी तीन बार जन्म हुआ और मैं देखता था संजय और साक्षी भी वहां से आते हैं और बहुत संभाला उन्होंने, बहुत जो इलाज चला बहुत कष्ट वाला था, तीन तीन चार चार इतनी सारी दस दस दवाइयां एक साथ चल रही है और ऑक्सीजन भी जा रही है, दूसरी चीजें भी जा रही है, खाना भी पाइप से जा रहा है, बहुत सारी चीजें थी लेकिन उनका जितना संभव था अभी उन्होंने चेहरे पर कोई वो नहीं कि मेरे को तकलीफ होगी, ये एक आश्चर्यजनक लगा कि इतना संता था और कभी मन में कमजोरी नहीं कि मेरा क्या होगा। बेटों की शादी बहुत इच्छा थी उनकी, दोनों की शादी की, वो खुद भी दूसरी शादियों में भी कोशिश करती रहती थी, उससे लड़का है उसकी है, वो उनको कोशिश होता था तो उनका ये था, लेकिन कभी भी इस बार अभी मैंने देखा कि कभी उनको ये नहीं हुआ। अब वो तो नियति भी है उनका जाना, लेकिन डॉक्टर लोगों को भी एकदम परिवार की तरह उन्होंने समा, ऐसा लग नहीं रहा था कि इतने बड़े डॉक्टर डॉक्टर कुलकर्णी, मेरा भी एक दो बार मिलना मान लिया संकेत से तो उनका ऐसा हो गया, जब भी दूर से होते तो खुद चला के आपसे बात करने लगे और कल परसों जब ये होने के बाद बोले आप मेरे से मिल के जाना। उसने 10-12 घंटा की कोई सर्जरी थी उनकी दिन भर, तो दो तीन दिन पहले ही उन्होंने कहा था हम उदयपुर लाने की कोशिश कर रहे थे उदयपुर, तो उन्होंने कहा था कि उदयपुर तुम गुरुवार का मत बनाना शुक्रवार का बनाना क्योंकि मैं साथ रहना चाहता हूँ, तो उन्होंने पता नहीं उसको शुक्रवार आने ही नहीं दिया और गुरुवार को ही चली गई। तो डॉक्टर ने पूरे सर्जरी में होने के बाद वो बोला कि आप मैं इससे मतलब मैं मिलना चाहूँगा आपसे, तो कम से कम आधा घंटा तक उसने इतना मतलब उसका रहा कि मैंने ऐसा पेशेंट ऐसा परिवार नहीं देखा और जब भी यहाँ आओ तो मेरे से जरूर मिलना। आपका आशीर्वाद बराबर देता था, आपका संदेश बराबर मिलता था और उससे बहुत संबल मिला, बहुत संबल इसे इतने चले जाना है बहुत बड़ी पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी कमी है, लेकिन आपका जो आशीर्वाद मिला बहुत संबल उससे कोई बात नहीं। मुझे का प्रतिदिन तो मुझे मंगलवार प्राय क्रम था ही, उसके सिवाय भी कोई आकर के बोल देता ना संजय जी ने वरना मालूम करा ये कहा है ऐसा ऐसा ठीक लग रहा है तुरंत वही मंगलवार गुरुदेव का आकर करे थी। मैं समझता हूँ उसी का परिणाम गुरुदेव कि हम लोग भी मतलब उस दिन रात को करीब 1:15 बजे रहती है सास की, हम लोग तीनों वहीं थे हॉस्पिटल में रहने देते हैं लेकिन डॉक्टर ने बगल वाले पेशेंट को कहीं दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया और मैं चाहता हूँ आपको बराबर समय के साथ दिखा होगा और हम तीनों को अलाउ कर दिया, डॉक्टर को पता लगातार नोबस का जाप और सब करते रहे और हमारे सामने देखते देखते डॉक्टर को पता था कुछ अब घंटे ही है आपके रात में उन्होंने खुद तुमने सब ऐसे तो पता नहीं चलता कि गुरुओं के आशीर्वाद का क्या, लेकिन ये इस अवसर में बहुत नजदीक से देखा कि ये जो स्थितियां बनी बिना आशीर्वाद के संभव नहीं थी। सब लोग फोन आता है बोलते हैं बच्चों को संभालना, मैं कहता हूँ बच्चे तो मेरे को संभाल रहे हैं मैं क्या संभालूं, तो ये सब गुरुओं का प्रताप ही है कि बहुत इसको सहन करने में पूरे परिवार के लोग फोन कर रहे हैं मेरे को कि संजय से हम बात नहीं कर सकते, मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन मैंने कहा संजय आराम से बात करेगा, मैंने संजय से फिर बोलता हूँ आप बात करो संजय से कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ज्यादा हिम्मत है, बहुत मुक्तिमान है मेरा कहा संजय को मंत्री देख रहा है हमारे लिए बहुत शिक्षक उसको सर्जरी होगी उसको कोविड वार्ड में भेज दिया, जो सर्जरी वाले डॉक्टर है वो नहीं जा सकते वहां पर 15 दिन तक अकेली थी, हम लोगों को वहां जगह नहीं मिली उस हॉस्पिटल में, मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती हुआ संकेत किसी और जगह भर्ती हुआ, तो वो 15 दिन तो बहुत ही मजे जिंदगी से इतना मतलब वो था कि कहीं कुछ मेरे को लगता था कि जिंदगी इतनी स्मूथ कैसे चल रही है, तो इन पिछले सालों में कई बार मन में आता था कि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आए, इतनी स्मूथ तो कुछ ना कुछ हो सकता है कभी, लेकिन किस रूप में होगा पता नहीं लगता।
कितना बड़ा झटका लगेगा ये तो नहीं सोचा था। संसार की स्थिति है कि जन्म लेने वाले को एक दिन तो मृत्यु को प्राप्त करना ही पड़ता है, क्योंकि शरीर सबका नश्वर है, तो आत्मा को अमर कहा है। नश्वर है तो किसी के ताकत महाजने के इसको मृत्यु से बचा सकते, और तो क्या भगवान तीर्थंकर उनको भी एक दिन अवसान को प्राप्त होना होता है। मृत्यु के आने के कहते अनेक रास्ते होते हैं, किस रास्ते से मौत आ जाए, मृत्यु का ठीक है उससे बचाव का प्रयास तो आदमी करता है कर सकता है, परंतु विशेष बात है कि आदमी शांति समाधि में रहे। मृत्यु का भी वो हावी है मृत्यु ठीक आना चाहिए, शांति समाधि चित्त समाधि रहे, परिजनों में भी हिम्मत मनोबल रहे, वो एक विशेष बात है। और मृत्यु से पहले का समय जितना आध्यात्मिकता में बीत सके वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो जीवन में कठिनाइयां तो कई वर्ष मान लो स्मूथ चल रहे हैं, कब वो बाधा के बीच में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आदमी बस अपना समता शांति धैर्य मनोबल रखे, कर्य करना करने के बाद हो सकती है, पर बाकी धैर्य मनोबल रखे तो वो चले गए हैं। तो पीछे परिवार है श्री मोहनलाल जी जैन दसानी अनंत जी जो उनका तो खैर अनंत के साथ कितना जुड़ाव था, उनके पीछे संजय जी का भी मानो उस परंपरा को निर्मोल निर्वाह कर रहे हैं परंपरा का। और ये स्थिति जो आ गई है ये इसमें भी अब धीरे धीरे मन को बहुत संतुलित रखने का ठीक है, मन पर कुछ साधा वो भी सत्याग्रीस का जीवन है, उसको धीरे धीरे मन को संतुलित बना के जब बचे भी हैं और बच्चों का भी मानसिक संतुलन ठीक रहे, उनको भी विकास देना दो भी शिक्षा देनी, तो वो विद्वान तो ठीक है जीवन की स्थिति आ गई है, हम अपने ढंग से अपना विकास अपना आध्यात्मिकता का जीवन से अच्छा जीवन दिए, अनुभव का जो काम है मतलब एक तरह से एक कुछ अंशों में संन्यास का जीवन बनता है, घर में ऐसा प्रयोग होने के बाद पुरुष के लिए कुछ अंशों में संन्यास का सा जीवन होता है कुछ अंशों में। तो इस अब एक नया एक जीवन का एक नया अध्याय मानो शुरू हुआ या नया अध्याय भी तो सफल रहो सफल रहो कार्यकारी रहो वर्षों से अनुभव से जुड़े हुए हो अपूर्ण कैसे अनुभव की सेवा की जा सके उस पर ध्यान रहे, और परिवार के लोगों ने भी खूब धार्मिकता आध्यात्मिकता अमृत का प्रभाव पूरे परिवार पर बना रहे। और एमबीए कर रहे हो आप बेटो, अभी अमेरिका हो अब आयो है, अमेरिका को बार है तो बार आयो है दो तीन साल से थी इस साल एक साल पर शाम एक साल से था अच्छा जयपुर मम्मी के साथ ही था है अभी डेढ़ साल से इधर ही था मैं तो जयपुर में मम्मी के साथ ही था, पहले अमेरिका में था मैं तीन चार साल। ये पूरा हो गया हाँ बस ये पूरा हो गया, अभी जॉब कर रहा हूँ अभी जॉब कर रहा हूँ मैं यहाँ हिंदुस्तान में। हाँ अमेरिका की कंपनी है लेकिन यहाँ से काम कर रहा हूँ। ठीक अमेरिका को एक साल पर क्लियर हो रहा है लेकिन वीजा में दिक्कत आ रहा है, लॉटरी शुरू है सब मिल गई सौभाग्य तो मिल गई नहीं तो कोई नहीं तो वीजा भी तो हो गया नहीं तो वापिस आ गया, अभी वापस कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इच्छा है पर थोड़ा काम कठोर करने की। मैं अभी क्या ही होता है क्या मुझे आपको नहीं मिला, कई बार हम कोशिश करते हैं काम नहीं होता है, मैंने कहा इसलिए नहीं मिला था तुमको वापस संभालना था सही इसी के तुमको मिला नहीं मिली। अच्छा मैं कई बार सोचूं कि गुरुदेव अच्छा गुरुदेव जी से अपन जितना आशीर्वाद हो और जितना विश्वास जैसा जितना ही आप और आपको आशीर्वाद समझे मैं कई बार मन में आ रहा था आपको कितना आशीर्वाद जितना विश्वास समझे पर कहे तो मैं सोचूं भाई जी दोबारा देखना कर मिल रही है। ठीक
ये सब में देखा करता थी बेटे में अच्छा से उड़ा देता मोहन जी में जी सर भाई चीज अभी देखा तो जीसा की बराबरी होने से बराबरी ये कि आपके तो गुरुदेव की कृपा है कि भाई प्रसाद संचय में मिली है आपकी एक ही लक्ष्य है गुरुदेव की जिसकी जिम्मेदारी आप सौंपी है अनुरक्षित तो जुड़े हो अनुभाग का अपना काम मेरी रुचि को मैं कर रहे हो लेकिन ये जिम्मेदारी ना जो आप सौंपा हो ये मैं बहुत बड़ी क्षमता से मैं मेरे काम करने से पूरा आपने संतोष देने से वो एक ही लक्ष्य है जी सब ये तो समर्पण वो भी एक समर्पण संचय में देख रहे हो साक्षी जी दूसरा बटवड़ी अमेरिका में एनिमेशन डिजाइनिंग आर्ट को काम है बी में मास्टर करी बड़े दो साल अभी बैठी रह के काम कर रही हूँ अनुग्रह भी प्रभाव का प्रभाव भी बनाने जीवन में अपना लगता है अंतर आदि बिल्कुल बिल्कुल पूरे परिवार में कोई नशो और कुछ भी कोई को पूरे परिवार में बच्चा पोता जी सर पोता पोती ज्यादा जी सर मैं ज्यादा बात है माने ये जो मारा है कि सब अच्छा लेकिन ब्रदर आगे की लगभग बात कर रहे हैं सब बारे में बिचार सारे तरह मेरा तो बच्चा बारे लेकिन कोई ना कोई वो नशो और कोई भी चीज गलत बंद वे बच्चे डर गए सबसे बड़ा हाँ विकास हो जाए सबसे बड़ा नंबर दो में पंचे में सर पंचे में सर पंचे पंचे नंबर पर विनय विनय से सबसे छोटा सबसे छोटा बच्चा है आठ भाई बहनों में सबसे छोटा चार भाई बड़ी चार बहन पहली चार कितना भाई रहा भाई तीन बहन बड़ी संकेत साक्षी को जन्म राशि में कोई नहीं तो जी सर माँ जी सर को बचपन माँ के माँ के बंधियाँ में बिते हुए तो पूरा संस्कार माँ जी सर से सत्या महाराज दर्शन किया तो मेवाड़ दर्शन किया सत्या महाराज दर्शन किया तो दूर में कान उदयपुर तो सच्चन मेवाड़ दर्शन किया तो आप लेते सेवा करते कराता गया बात बताया कि मोहन भाई कर रहे थे उदयपुर में सदस्य जी कराते थे सुदर्शन तो काफी देर में ही सारी बात होगी मन लागे उसे जी सा ने जाने नहीं जाने में क्यों पिताजी ने तो आप बोले कौन ना मोहन लाल जी तो ध्यान में आएगा नहीं फिर वो बताया सरदार शहर का इतना क्या अच्छा सरदार शहर का हो गया फिर वो तो जी सा को पूरा वो बता दिए होते तो भाई क्या मन तो कोई बताया कि मेवाड़ का होगा सब दिमाग में तो नहीं आया कि सरदार शहर संगीता भाई को बचपन में गायल हो गई जो मेरी आवाज में गाना हो बचपन में जिसकी आवाज में गायल हो वो रिकॉर्डेड है समाज में तो कार्यक्रम तो मेलो गया तो भी दिन मारो मैरिज डे भी और वाइफ को जन्मदिन एक ही तारीख 9 फरवरी तो निर्मल जी रात का सा गया देव ने निवेदन करे हो कि भाई आप आपको मैरिज डे है तो क्योंकि महिला वहाँ बाहर आई तो अंदर आने को योग नहीं तो मैं तो निहाल हो गया कि दिन गुरुदेव गुरुदेव स्वयं पाठू अच्छा बाय बाय सब मम्मी को चाहते थे सबको काफी दुख है मम्मी के जाने से
मम्मी भी मतलब सबका ध्यान रखती थी, कहीं भी बाहर जाया तो सबके लिए गिफ्ट लाती थी, मतलब परिवार में भी रिलेटिव्स के लिए भी सबके लिए, इनके लिए तो किया नहीं, इनके लिए लिया नहीं, सबके लिए कुछ ना कुछ लेना है। मम्मी का उनका हाँ उनकी चीज़ें बनाने का मम्मी को बहुत शौक था, बच्चे की स्वेटर्स टोपियाँ और वो बांटने का भी, इतनी सारी चीज़ें बना रखी हैं। उनको मशीन की तरह बात होता था, मतलब बच्चों को ठंड नहीं लगने, गाड़ी में रखी रखती थी, गाड़ी में खेला रहता था, तो कैसे बड़ा हो मम्मी की उनकी वजह से। प्रसिद्ध भी करो माँ, माँ को परिवार में दो ही प्रसिद्ध है, एक तो माँ का रोल है, प्रसिद्ध भी बहुत तपस्या उपवास तो भी काफी जल्दी उपवास हो गई मन मायो वास उपवास है और कभी ही देरा ने चलाया मैं देरा ने आपका भी बहुत आशीर्वाद दिलाना है और मम्मी के लिए तो मम्मी का हमेशा से अभी जब मैं यहाँ पे आई उसके बाद से मतलब एकदम शांत मम्मी को देख रहा है तो उससे मतलब मम्मी को इतनी तकलीफों से गुजर रही थी और चेहरे पे एकदम शांति, तो उससे भी हम लोग को भी काफ़ी सपोर्ट और वो एनर्जी भी मिली कि मम्मी शांत है तो हम लोग को ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है। मम्मी का नेचर हमेशा खुश रहने वाला है, दूसरों को खुश रखने वाला है, लेकिन उस टाइम ना ही खुशी थी ना ही दुख था, बिल्कुल भी मतलब उफ तक नहीं किया। कभी कभी मतलब हॉस्पिटल में दो बेड लगते थे साथ में, मम्मी के साथ के दूसरे पेशेंट भी थे, तो रात में कभी कोई आवाज़ आती है हमें लगता मम्मी को दर्द हो रहा होगा, देखते हैं मम्मी तो सो रही है आराम से, पास में हमेशा आवाज़ आ रही थी, लेकिन मम्मी को दिक्कत मतलब प्रॉब्लम बहुत थी, पेन बहुत था, लेकिन कभी मम्मी ने उठा। एक बार हम लोग कोशिश करते हैं कुछ मजाक की बात करके कि थोड़ा हंसो, लेकिन एकदम सुनता हुआ मैं हंसी मैं गुस्सा न तकलीफ। जैसे मैं वहाँ पे भी थी अमेरिका में तो जब भी पापा मम्मी भैया से बात होती थी तो एकदम मेरे को जब बताते थे कि कुछ जो भी हो रहा है तो एकदम शांति से समझा के बताते थे, ताकि मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं दूर हूँ वहाँ पे या फिर मैं नमो सिद्धान नमो आयतान नमो खचायान नमो रोहिये संतानों नम एको पंचनमो कारु संतपाम तनासं मंगलां जस्तुपिष्णु चरणं भरुं तत्तारिंगलमरहतां नमचितांगलम साबुंगलम केवलीकमन्तो धूमंगलम तत्तारिंगलमुत्तमारहतां नमचितांगलमुत्तमासाबुंगलमुत्तमां केवलीकमन्तो धूमंगलम तत्तारिंगलमुत्तमारहतां बात करेंगे।
कृपा।